Hey guys, welcome back to my channel. तो guys, first of all, thank you for 1K subscribers. आप लोगों ने जितना support दिया, प्यार दिया, सब के लिए धन्यवाद. तो आज मैं कुछ सवालों का जवाब देने वाला हूँ जिसको मेरे दोस्त, रिलेटिव, Instagram followers, YouTube subscribers पूछते रहते हैं. तो ये बेसिकली ये वाली वीडियो है 1K special, तो Q&A का वीडियो होगा. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं. मेरा एज है 15, तो आई एम 15 ईयर्स ओल्ड. तो आई एम फ्रॉम मैंगलोर, कर्नाटका. तो मेरा इंस्पिरेशन जो ड्राइंग में है वो आर्टिस्टिक ललित, जो ललित भाई है वो मेरा बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है ड्राइंग में. तो माय फेवरेट मूवी इज कांतारा. माय मदर टंग इज कन्नड़ा. मेरा जो फेवरेट स्पोर्ट है वो क्रिकेट है. माय फर्स्ट ड्राइंग तो मैं बोल नहीं सकता, मुझे याद नहीं है. 2000 विजय का जो मैंने एक ड्राइंग बनाया था वो मेरा फर्स्ट ड्राइंग है. तो गाइस बेसिकली मैं ड्राइंग 2017 में स्टार्ट किया और तभी से मैं कार्टून बनाता था पहले से, और उसके बाद मैं पोर्ट्रेट में ज़्यादा इंटरेस्ट गया. तो 2020 में मेरा यूट्यूब चैनल खोला और उसके बाद 2 ईयर का एक ब्रेक लिया बड़ा सा, और 8th स्टैंडर्ड में अच्छा दोस्त मिला और वो भी ड्राइंग बनाता था, और तब मुझे फील हुआ कि क्यों ना मैं मेरा ड्राइंग रिस्टार्ट करूँ या कुछ भी कंटिन्यू करूँ. तो वहाँ से प्रैक्टिस करके मैं इस पोजीशन तक आया हूँ. विराट कोहली मेरा बहुत ही फेवरेट सेलिब्रिटी है क्रिकेट पर. और वुमन बोलो तो भाई वुमेन तो मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करता. थमन्ना फिल्म एक्ट्रेस तमिल इंडस्ट्री का. मैं बॉलीवुड तो ज़्यादा देखता ही नहीं, और एक्चुअली मैं साउथ इंडियन मूवीज ज़्यादा देखता हूँ. पर बॉलीवुड अगर बात करूँ तो मैं सुशांत सिंह राजपूत सर को बहुत ही पसंद करता हूँ, और उनके जो MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी है वो मुझे बहुत ही पसंद आया. और उस उनके डेथ के वजह से मैं बोलूँ तो मुझे सलमान खान पसंद है, और उनका जो दबंग 3 फिल्म है वो मुझे बहुत ही पसंद है. तो मेरा जो फेवरेट ड्राइंग है वो रोलेक्स सर का, सूर्य सर का जो है वो स्केच मुझे बहुत ही पसंद है, जो रियलिस्टिक बनाया था. आई लाइक पोर्ट्रेट ड्राइंग्स, तो मैं पोर्ट्रेट ड्राइंग ज़्यादा बनाता हूँ, तो वो मुझे बहुत ही पसंद आता है. भाई मेरा क्रश वर्ष तो कोई भी नहीं है, आई डोंट हैव एनीवन. एक्चुअली ये जो जर्नी था वो बहुत ही अच्छा था. 0 to 1K सब्सक्राइबर्स मेरा बहुत ही अच्छा जर्नी था यूट्यूब का. और 2 ईयर्स का जो गैप लिया था तब शायद 20 या 23 सब्सक्राइबर्स थे, और उसके बाद एक ही ईयर में 1K सब्सक्राइबर्स पूरा हुआ. मेरा ड्राइंग्स भी इम्प्रूव होते जा रहा था, मैं प्रैक्टिस करते रहता, तो उससे मेरा जो सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गया, 1K सब्सक्राइबर पूरा हुआ. रियलिस्टिक ड्राइंग बनाना मैं इस साल में सीख गया, और बहुत ही अच्छा ड्राइंग बनाना शुरू किया, मतलब कि प्रैक्टिस करता रहता और ड्राइंग भी इम्प्रूव होते जा रहा था. और रियलिस्टिक ड्राइंग जो है वो है रोलेक्स सर का, मैंने बता ही दिया ऑलरेडी, तो वो मुझे बहुत ही पसंद आता है वो ड्राइंग. मैं पहले एक वीडियो बनाया था शॉर्ट्स का, एक उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो. तो मैं एक टेप रखता हूँ और उसके ऊपर मैं मेरा जो मोबाइल है ये वाली, तो उसमें रख देता हूँ और मैं शूटिंग वगैरह करता हूँ शॉर्ट्स के लिए सिर्फ. अगर बात करूँ कि ट्यूटोरियल वगैरह, तो मैं ये जो टैब है उसका जो यूज़ करता हूँ. बुक्स वगैरह रख के, यार मेरे पास जो कैमरा होल्डिंग जो नहीं है, बुक्स वगैरह रख के मैं मेरा जो स्केल्स है, मेरे पास 3 स्केल है, तो वो रख के मेरा जो टैब उसके ऊपर रख के मैं जो शूट करता हूँ मेरा जो ट्यूटोरियल्स वगैरह. और अगर बात करूँ कि सिनेमेटिक वीडियो, तो वैसा ही रख के एक स्टाइल में रख के मैं
मेरा जो वीडियोज है वो शूट करता हूँ। तो गाइस आई होप आपको ये जो क्यूएन वीडियो बहुत ही पसंद आया, पसंद है तो लाइक करना, चैनल में तो सब्सक्राइब भी करना। हम मिलते हैं।